नमस्कार आप देख रहे हैं रिव्या दर्शन हमारे साथ इस समय मौजूद हैं समवर्ण समाज पार्टी के देवेंद्र शुक्ला जी इस समय मध्य प्रदेश की सरकार के खिलाफ यहाँ पर काफ़ी आक्रोश है ख़ासकर एट्रोसेटी एक्ट के एक्ट को लेकर हम सबसे पहले उनसे यही जानना चाहेंगे एट्रोसेटी एक्ट का विरोध वो क्यों कर रहे हैं हम मैं एट्रोसिटी एक्ट का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही फैसला दिया था उसके पास इतने सारे केसेस थे जो फर्जी पाए जाते थे बिल्कुल परेशान करने के लिए से लगाए जाते थे और बहुत कुछ छानबीन करके और तीन स्तर के कोर्ट से छन करके जब प्रकरण गए और सब फर्जी पाए गए तब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था कि बिना जाँच के प्रकरण दर्ज ना हो और जांच के बाद सही पाए जाए तो ही दर्ज हो लेकिन मौजूदा सरकार ने और विपक्ष ने सब ने मिलजुल करके आ, इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चैलेंज किया और उनके आदेश को पलट करके और जो गलत आदेश ये अध्यादेश के तहत कानून बनाया है हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ने जो गाइडलाइन दी थी उसी तरह से संशोधन हो एस एक्ट में और उसको उसी स्तर में लाया जाए एट्रोसे एक्ट एट्र के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं मेरा दूसरा सवाल आपसे है आपके बारे में ये कहा जाता है आपकी पार्टी के बारे में आप आरक्षण विरोधी हैं इसके बारे में आपका क्या था? हम आरक्षण विरोधी नहीं हैं लेकिन हम वर्तमान जो आरक्षण की व्यवस्था है इसके विरोधी हैं जो हम चाहते हैं कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े जो चाहे जिस वर्ग के हों उनको ऊपर उठाने के लिए उनको आरक्षण दिया जाए उनको आर्थिक मदद की जाए लेकिन हम जातिगत आरक्षण के विरोधी हैं और उसका पुरजोर विरोध करते हैं और हमारा पूरा वर्ग इसका विरोध करता है और हम हमेशा इसका विरोध करते रहेंगे अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था माई के लाल जिसको लेकर एक नई पार्टी सपाक्स का भी जन्म हुआ उस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं ये मुख्यमंत्री जी का ये बयान बहुत ही निंदनीय है और सर्वसार करने वाला है उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था केवल उनकी माई ने लो नहीं जना है हम सबको जो है किसी न किसी माँ ने जन्म लिया है तो ऐसा कह के उन्होंने सबके माँ का अपमान किया है और हम उस इनका घोर निंदा करते हैं और सभी लोग इसकी निंदा करते हैं और इसके लिए तो बहुत ही आक्रोश है और पूरी जनता जो है पूरा वर्ग जो है इसके साथ है अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग और सवण सब एक साथ हैं और भरपूर पू कांग्रेस और बीजेपी के प्रति बहुत ही ज़्यादा नाराजगी है लोगों का यहाँ तक कहना है कि हम इन दो पार्टियों को तो वोट नहीं देंगे भले ही नोटा में दे दें या नाली में फेंक दें इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है मैं जहाँ जहाँ भी जा रहा हूँ इसी मुद्दे पर अपने से लोग जुड़ रहे हैं और बहुत ही आक्रोश दोनों पार्टियों राष्ट्रीय पार्टियों के पास व्यक्त कर रहे हैं और अपने से नारा दे रहे हैं मेरे चुनाव चिन्ह के ईट के प्रति कि हम आपके साथ हैं और दोनों कांग्रेस और बीजेपी का ईंट से ईट बजा देंगे और आपको भारी से भारी मतों से विजयी बनाएंगे ये थे हमारे साथ समाज समाज पार्टी के देवेंद्र शुक्ला जी जिनका साफ तौर से कहना था हम आरक्षण विरोधी नहीं हैं हम मुख्यमंत्री के उस शब्द का विरोध करते हैं जिसमें उन्होंने माई का लाल कहा था उनका ये कहना था कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए जिनको वाकई आरक्षण की जरूरत है रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद अंसारी